हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में पीडीएफ की ऑप्शन कैसे ऐड करें इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सेव एज ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे एक्सटेंशन जो आप किसी भी वर्ड की फाइल को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में हम लोग एक ऑप्शन और ऐड करना चाहते हैं जो कि पीडीएफ की ऑप्शन है, कि हम डायरेक्टली जो एमएस वर्ड में काम करें वो एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो इस ऑप्शन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए सीखते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड में पीडीएफ की ऑप्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली एमएस वर्ड में ही पीडीएफ को बना सकें। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि जो हम लोग पीडीएफ बनाते हैं वो एमएस वर्ड की जो पीडीएफ होती है उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर उसकी एक फाइल पीडीएफ फाइल बनती है एमएस वर्ड। तो हमने क्या करना है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रोम पर जाता हूँ, गूगल, और यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है सेव एज पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइल है वो साइट खुल चुकी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, 1 MB से भी कम है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर। यहाँ से इसे इंस्टॉल करें। ये देखिए अभी शो नहीं हो रही, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। ओके, ये देखिए जब सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीडीएफ की ऑप्शन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब जो भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बनाओगे तो उसको आप इजीली कंप्यूटर में सेव एज पीडीएफ की तरह कर सकते हो। तो पहले ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑफलाइन एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है जो पीडीएफ है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है लास्ट में .pdf। तो इस तरह आप जो भी फाइल है वो ओपन एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों।